हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं बताऊंगा रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि यदि आप घर बैठे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर ले एक ऐप्स एमए क्लासेस, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस ऐप्स के माध्यम से मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का डिफरेंट डिफरेंट कोर्स बनाया हुआ है, जिस कोर्स में सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। आप वहाँ से घर बैठे मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। साथ में आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, और मैं उसमें ऑनलाइन टेस्ट भी कुछ अवेलेबल करवा रहा हूँ। आपके जो भी डाउट होंगे उसको भी मैं क्लियर करवाता हूँ। तो ये हुआ मेरा ऐप्स का प्रमोशन, आप ज़रूर उसको डाउनलोड कर लें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले ये ले रहे हैं कि सो दैट द सेट जेड आई ऑफ गॉसियन इंटीजर्स फॉर्म ए रिंग अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है गॉसियन इंटीजर? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि देखिए, ए प्लस आई बी के फॉर्म में जो भी नंबर होगा, जहां ए और बी दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, ये रियल पार्ट में इंटीजर्स होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट में इंटीजर्स होना चाहिए, तो इस नंबर को हम लोग कहते हैं गॉसियन इंटीजर। एक्चुअली एक मैथमेटिशियन गॉस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इस नंबर को सबसे पहले, इसीलिए इसको गॉसियन इंटीजर्स कहते हैं। क्या है ये गॉसियन इंटीजर्स? कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ए प्लस आई बी के फॉर्म में जो नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, लेकिन उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों इंटीजर्स है। जैसे 2 प्लस आई इंटू 3, ये एक गॉसियन इंटीजर हो गया, क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट इंटीजर है। तो ऐसे जितने भी नंबर मिलेंगे वो सारे नंबर के सेट को हम लोग जेड आई से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। और कौन सा नंबर आ सकता है? कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि गॉसियन इंटीजर्स, जैसे कौन कौन सा गॉसियन इंटीजर्स हो सकता है। हम लोग -2 प्लस आई इंटू 3 लिखते हैं, ये -2 भी एक रियल इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है। तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में नंबर हो गया और ए और बी दोनों इंटीजर हो गया, ये भी गॉसियन इंटीजर्स हो गया, इस सेट का मेंबर हो जाएगा। या अगर हम लोग 3 प्लस आई इंटू -2 लिखें, ये भी रियल और इमेजिनरी पार्ट इंटीजर है, ये भी इसका मेंबर हो जाएगा। या अगर हम लोग सिर्फ 2i लिखेंगे वो भी इसका मेंबर हो जाएगा, इसको 0 प्लस 2 इंटू आई, देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट इंटीजर है। या सिर्फ 0 लिखेंगे, 0 को 0 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट इंटीजर है, ये भी इसका मेंबर हो जाएगा। या सिर्फ अगर 3 लिखते हैं तो 3 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं इसको, यहाँ देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट इंटीजर है, ये भी इसका मेंबर हो जाएगा। तो वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल और इमेजिनरी पार्ट इंटीजर है वो इस सेट का मेंबर होगा। अब देखिए, ये 3/2 प्लस आई इंटू 5 इसका मेंबर नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू जेड आई, ये जेड आई का मेंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ रियल पार्ट जो है वो इंटीजर नहीं है, इमेजिनरी पार्ट तो इंटीजर है लेकिन रियल पार्ट इंटीजर नहीं है, दोनों पार्ट होना चाहिए इंटीजर, तब वो इसका मेंबर होगा। जैसे 3/7 प्लस आई 5/2, ये भी इसका मेंबर नहीं होगा, क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों इंटीजर होना चाहिए, दोनों में से कोई भी नहीं है। तो दोनों अगर इंटीजर रहे, रियल और इमेजिनरी पार्ट, तब उसको कहेंगे गॉसियन इंटीजर्स, और उसके सेट को हम लोग डिनोट करते हैं जेड आई। तो इस सेट में कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, लेकिन वो एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर है। सारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस सेट में नहीं है, वैसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल और इमेजिनरी पार्ट इंटीजर है। जैसे ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन वो ये जो है वो इसका मेंबर नहीं है, ये इसका मेंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है लेकिन ये इसका मेंबर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सबसेट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें जितना भी नंबर्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो ये सबसेट हो गया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, सी का ये जो है वो सबसेट हो गया। अब जरा देखिए, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, कम्यूटेटिविटी या एसोसिएटिविटी, वो सारा इसमें भी फुलफिल होगा, क्योंकि इसमें जो नंबर है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सबसेट सी का ही है। तो इसीलिए जितना भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टीज है वो सारा इसमें भी होल्ड करेगा। अब देखिए यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो सेट है, सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स जो है वो एक रिंग बनाएगा अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड किया गया है उसके रिस्पेक्ट में ये जो सेट है जेड आई, एडिशन के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ये एक रिंग बनाएगा, ये रिंग प्रूफ करना है। फिर आगे सवाल है, इज इट एंड ये इंटीग्रल डोमेन, क्या ये इंटीग्रल डोमेन होगा?
फिर नेक्स्ट है ईजीटी फील्ड, क्या ये फील्ड होगा? तो सबसे पहले तो हम लोग ये रिंग दिखाएंगे, बाद में देखेंगे कि ये इंटीग्रल डोमेन या फील्ड है या नहीं। तो ये रिंग दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? रिंग दिखाने के लिए टोटल 8 कंडीशंस हो जाएगा, जिसमें से 2 कंडीशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेते हैं लेट ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी, ये दो नंबर हम लोग ले लेते हैं इसी का, जेड आई का मेंबर मान लेते हैं। तो जेड आई का जब मेंबर मान लिए तो इसका मतलब ये जो ए बी सी डी है वो सभी क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। तो देयर फोर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ए बी सी डी जो है वो सभी इंटीजर्स होगा, जेड का मेंबर होगा। अब देखेंगे कि ये दोनों का सम और दोनों का प्रोडक्ट वो इसी का मेंबर है या नहीं। नाउ हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ए प्लस आई बी और प्लस सी प्लस आई डी, क्या आएगा? रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे ऐड किया जाता है, और आई कॉमन ले लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से बी प्लस डी। अब ए और सी दोनों इंटीजर्स है, दोनों का सम भी क्या होगा, एक इंटीजर आएगा। बी और डी दोनों इंटीजर है, दो इंटीजर का सम भी एक इंटीजर हो जाएगा। तो ए प्लस सी भी इंटीजर हो गया, बी प्लस सी डी भी इंटीजर हो गया, तो ये जरूर इसका मेंबर हो जाएगा, गॉसियन इंटीजर्स का मेंबर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस आई बी के फॉर्म में है और रियल पार्ट भी इंटीजर है और इमेजिनरी पार्ट भी इंटीजर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस ए प्लस सी और बी प्लस डी ये दोनों जो है वो किसका मेंबर है, ये इंटीजर्स का मेंबर है, क्योंकि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर्स। इम्प्लाइज जब ये इसका मेंबर है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इम्प्लाइज ए प्लस आई बी इन प्लस सी प्लस आई डी बिलोंग्स टू जेड आई, ये जेड आई का ही मेंबर हो जाएगा, सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स का ही मेंबर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं देयर फोर जेड आई इज क्लोज्ड, ये क्लोज्ड हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोज्ड हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब फिर देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है या नहीं। अगेन हम लोग निकालते हैं ये दोनों का प्रोडक्ट ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी, दोनों कैसे मल्टीप्लाई होता है, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस, तो माइनस बी डी। अब फिर आगे प्लस आई जो दो प्रोडक्ट और आएगा, ये इसके साथ फिर ये इसके साथ, उस दोनों में आई आएगा, आई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे आई कॉमन ले लिए तो बी सी बच गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आई कॉमन ले लिए तो ए डी बच रहा है। तो अब ये भी गॉसियन इंटीजर्स ही हो जाएगा, क्यों गॉसियन इंटीजर्स होगा, क्योंकि ए भी इंटीजर है, सी भी इंटीजर है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, बी इंटीजर है, डी इंटीजर है, ये भी प्रोडक्ट इंटीजर होगा, और दो इंटीजर का जो डिफरेंस करेंगे वो भी एक इंटीजर होगा, इसी तरीके से ये भी इंटीजर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस ए बी सी डी ये जो है वो इंटीजर्स है, जेड का मेंबर है, इम्प्लाइज ए सी माइनस बी डी और बी सी प्लस ए डी ये दोनों भी जेड का मेंबर हो जाएगा, ये भी इंटीजर होगा, और जब ये दोनों इंटीजर है तो ए सी माइनस बी डी प्लस आई बी सी प्लस ए डी, ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया और ए और बी दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इंटीजर है, तो ये हो जाएगा जेड आई का सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स का मेंबर हो गया। और ये जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, ये आ गया जेड आई का। तो दो मेंबर अगर इसका लेते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट भी इसका मेंबर आ गया। तो देयर फोर हम लोग कह सकते हैं कि जेड आई जो है इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू, क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में ये क्लोज्ड हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जरा देखिए इसके बाद ये दो इनिशियल कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई करवा दिए कि ये दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब रिंग के लिए 6 कंडीशन, तो उसमें से 4 कंडीशन जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में, कम्यूटेटिव लॉ,
एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये चार जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में दिखाना पड़ेगा, और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एक एसोसिएटिव लॉ दिखाना पड़ेगा, और फिर आगे एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी दिखाना पड़ेगा। तो छह कंडीशन दिखाएंगे। लेकिन अब देखिए, इसमें जितना भी नंबर्स है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में एडिशन के रिस्पेक्ट में तो कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव है तो इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी नंबर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में, हम लोग तो जानते हैं कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, तो यहाँ पर भी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसमें भी जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ, देखिए कि सिंस द एलिमेंट्स ऑफ जेड आई आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैं भी बता रहा था कि जेड आई में जो भी एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो वी नो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर बोथ एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव कंपोजिशन इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में एडिशन और मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव भी होता है, मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव भी होगा और साथ में एसोसिएटिव भी होगा, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है, एसोसिएटिव यहाँ पर भी मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, एसोसिएटिव। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसमें एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर बोथ एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव कंपोजिशन इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो जेड आई में एलिमेंट है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो यहाँ पर भी एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होगा, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होगा, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होगा। तो चार कंडीशन तो हो गया, अब क्या बच गया इसके अलावा, एक देखिए और आगे, फर्दर इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये पाँच कंडीशन यहाँ पर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। तो पांच कंडीशन तो हम लोग सिर्फ लैंग्वेज में लिख लिए हैं दो लाइन में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसमें चूंकि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होता ही एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर भी जेड आई में भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, कुछ सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं है, कुछ खास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो इसमें भी ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा। तो पाँच कंडीशन हो गया, अब क्या बचा हमारे पास, दो कंडीशन और दिखाएंगे तो ये कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग कम्यूटेटिव भी दिखा रहे हैं, तो कम्यूटेटिव दिखा रहे हैं तो कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। अब दो कंडीशन और क्या बचा, एक तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एक एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो देखिए आइडेंटिटी के बारे में, जीरो प्लस आई इंटू जीरो, ये तो जेड आई का मेंबर होगा, क्यों, क्योंकि जीरो भी इंटीजर है और ये जीरो दोनों जगह जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट वो तो इंटीजर है, बिकॉज जीरो बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जिसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों इंटीजर है, इसलिए ये जेड आई का मेंबर हो जाएगा। और अगर जेड आई का कोई भी एक मेंबर ले लेते हैं ए प्लस आई बी, इसके साथ इसको ऐड करके देखते हैं, जीरो प्लस आई जीरो को हम लोग ए प्लस आई बी के साथ ऐड करते हैं, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं जीरो प्लस ए, फिर इमेजिनरी पार्ट आई तो कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो जीरो और बी को ऐड करेंगे, तो जीरो प्लस ए तो ए के बराबर और जीरो प्लस बी जो है वो बी के बराबर। तो देखिए ये नंबर अगर किसी भी नंबर इसमें ऐड कर रहे हैं, ये कोई भी एक नंबर ले लिए जेड आई का, इस एलिमेंट को इसके साथ अगर ऐड कर रहे हैं, देख रहे हैं तो क्या आ गया, यही एलिमेंट आ गया, तो इसका मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, जीरो प्लस आई जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको जीरो एलिमेंट भी कहते हैं रिंग का, तो ये जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अभी लिख दूंगा कि ये एडिटिव आइडेंटिटी भी है और साथ में फिर मैं एडिटिव इनवर्स भी दिखा दूंगा, अगर वो उतना काम हम लोग कर लिए तो क्या हो जाएगा, ये कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा, क्योंकि रिंग के लिए जितना कंडीशन चाहिए, सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग दिखा दिए, तो यहाँ पांच कंडीशन दिखा दिए, एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव, एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव भी दिखा दिए, पांच कंडीशन दो लाइन में लिखे हुए हैं। तो पांच और दो सात, एक एडिटिव आइडेंटिटी आठ और एक एडिटिव इनवर्स दिखा देंगे नौ, तो कम्यूटेटिव रिंग के लिए नौ कंडीशन हो जाएगा। तो चलिए मैं उसको आगे लिख रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि जीरो प्लस आई इंटू जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, ये एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम लोग आगे देखते हैं एडिटिव इनवर्स के बारे में,
एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जेड आई, जेड आई का ये एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। अगेन अब हम लोग क्या करते हैं कि लेट ए प्लस आई बी, कोई भी हम लोग जेड आई का मेंबर मान लेते हैं, तो दिखाना पड़ेगा कि इसका इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स भी होगा। तो जब ये जेड आई का मेंबर है तो इसका मतलब ए और बी क्या होगा, इम्प्लाइज ए और बी जो है वो इंटीजर्स होगा, ये दोनों इंटीजर्स होगा, और ए और बी इंटीजर्स है तो माइनस ए और माइनस बी क्या होगा, किसी भी इंटीजर में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी एक इंटीजर्स ही आएगा, दोनों इंटीजर्स होगा ये। अब जरा देखिए, जब ये इंटीजर है तो माइनस ए प्लस आई इंटू माइनस बी ये क्या हो जाएगा, जेड आई का मेंबर हो जाएगा, गॉसियन इंटीजर्स हो जाएगा, क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इंटीजर है ना। अब दोनों का सम करके हम लोग देखते हैं, ए प्लस आई बी में ये इसका सम करते हैं, माइनस ए प्लस आई इंटू माइनस बी है, माइनस ए प्लस आई इंटू माइनस बी है, इसका हम लोग अगर सम करें तो क्या होगा, जा देखिए यहाँ पर माइनस ए है तो कैसे सम करते हैं रियल पार्ट को रियल पार्ट से, तो ए प्लस माइनस ए, और फिर आई कॉमन ले लेते हैं इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, बी को माइनस बी से, बी प्लस माइनस बी, ये क्या हो गया, ये जीरो आ गया, यहाँ पर भी यहाँ आई छूट रहा है आई, और ये भी जीरो आ गया। तो देखिए एडिटिव आइडेंटिटी आ गया, इस एलिमेंट को इसके साथ ऐड करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये सेकेंड वाला जो है वो एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा इसका। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे माइनस ए प्लस आई इंटू माइनस बी इज द एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स ऑफ किसका हो गया, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए प्लस आई इंटू बी, तो एडिटिव इन्वर्स भी आ गया। तो ये सारा चीज़ हो गया। अब एक यूनिटी के बारे में भी देख लीजिए, ये यूनिटी एलिमेंट भी होगा, सिंस वन प्लस आई इंटू जीरो ये किसका मेंबर हो जाएगा, ये भी जेड आई का मेंबर होगा, क्यों जेड आई का मेंबर होगा, क्योंकि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों इंटीजर्स है। एंड फोर एनी ए प्लस आई इंटू बी बिलोंग्स टू जेड आई, अगर ये कोई भी हम लोग दो मेंबर लेते हैं, सॉरी ये कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं जेड आई का, वी हैव इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, वन प्लस आई इंटू जीरो को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें ए प्लस आई इंटू बी के साथ, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, वन को ए से करेंगे ए, इसको जीरो से कर देंगे तब तो जीरो आ जाएगा, फिर इसको जीरो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और फिर इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इंटू बी ही रह जाएगा। ऐसे भी देखिए ये क्या है, वन प्लस आई इंटू जीरो मतलब वन हो गया, और वन को अगर इसके साथ करेंगे तो यही रह जाएगा। तो ये प्रत्येक a प्लस आई बी के लिए हो गया, कोई भी अगर a प्लस आई बी अगर इसका मेंबर लेते हैं उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के बराबर आ गया। तो ये जो है वो यूनिटी का काम करेगा, और ये मल्टी कम्यूटेटिव तो है ही पहले से, इसीलिए ये ऑर्डर चेंज करके लिखने की जरूरत नहीं, इसको पहले इसको बाद में लिखने की जरूरत नहीं, कम्यूटेटिव तो है ही। तो देयरफॉर वन प्लस आई इंटू जीरो इज द यूनिटी एलिमेंट, यूनिटी एलिमेंट हो गया, यूनिटी एलिमेंट किसका हो गया, ऑफ जेड आई, जेड आई का ये यूनिटी एलिमेंट हो गया। तो देयरफॉर जेड आई, देखिए क्या क्या हो गया, कम्यूटेटिव तो पहले ही दिखा दिए थे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव है, और यूनिटी एलिमेंट भी है, तो ये कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा, दिस इज ये कम्यूटेटिव रिंग, ये कम्यूटेटिव रिंग हो गया विथ यूनिटी, और साथ में यहां पर यूनिटी एलिमेंट भी है। ऐसे अगर सिर्फ रिंग प्रूव करने दे तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव और यूनिटी एलिमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में हम लोग से पूछा जा रहा है कि क्या ये इंटीग्रल डोमेन होगा तो और या फील्ड होगा, इसके लिए हम लोग इसको लिख लिए हैं। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या चाहिए, इंटीग्रल डोमेन के लिए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर चाहिए, तो कम्यूटेटिव रिंग तो हम लोग दिखा दिए हैं, यहाँ पर कम्यूटेटिव रिंग हो चुका है, अगर विदाउट जीरो डिवाइजर होगा तो ये इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, और विदाउट जीरो डिवाइजर तो होगा ही, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होता है, अगर दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट नॉन जीरो हो जाए तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाएगा। तो यहाँ तो हम लोग पहले से जानते हैं, तो सिर्फ एक लाइन में लिख देंगे तो इंटीग्रल डोमेन तो हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि फील्ड है या नहीं, तो सबसे पहले तो विदाउट जीरो डिवाइजर के बारे में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ।
तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन नॉट बी जीरो। दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जैसे अगर एक्स नॉन जीरो है, वाई भी नॉन जीरो है, जेड आई का मेंबर है, जेड आई का मेंबर है मतलब एक्स जो है वो ए प्लस आई बी के फॉर्म में आएगा। ए प्लस आई बी के फॉर्म में कोई नंबर मान लीजिए ए वन प्लस आई बी वन है, तो ए वन प्लस आई बी वन को एक्स मान रहे हैं, और वाई भी नॉन जीरो है तो वाई को ए टू प्लस आई बी टू मान लीजिए कोई ये जेड आई का मेंबर है उसको वाई मान रहे हैं। तो दो मेंबर अगर हम लोग जेड आई का ले रहे हैं और दोनों अगर नॉन जीरो है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो इसका मतलब जेड आई हैज नो जीरो डिवाइजर्स, जेड आई में जीरो डिवाइजर्स नहीं, विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो गया। तो कम्यूटेटिव रिंग है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो गया, देयरफॉर हेंस यहां पर मैं लिख रहा हूं हेंस जेड आई इज एन इंटीग्रल डोमेन। अब ये फील्ड है या नहीं वो देखेंगे। तो फील्ड होने के लिए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट तो है, फील्ड होने के लिए रिंग होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए, यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए, यहां तक तो अभी है, और साथ में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होना चाहिए नॉन जीरो एलिमेंट का। तो देखिए हम लोग दिखाते हैं, यहां पर ऐसा लेते हैं कि सिंस 3 प्लस आई इंटू 4 क्या ये जेड आई का मेंबर है? क्यों जेड आई का मेंबर है? क्योंकि 3 और 4 तो इंटीजर्स है, बट इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा, बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा इसका, 1/3 प्लस आई इंटू 4 कितना आएगा जरा देखिए, यहाँ पर इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 माइनस आई 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आई इंटू 4 और यहाँ पर 3 माइनस आई इंटू 4, इसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर आ रहा है 3 माइनस आई 4 और नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का होल स्क्वायर 16 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ आ गया 3, इसको प्लस आई इंटू माइनस 4 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 16 25 हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं दोनों में, तो 3 डिवाइडेड बाय 25 प्लस आई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 25, ये जेड आई का मेंबर नहीं है, ये जेड आई का मेंबर नहीं है। क्यों जेड आई का मेंबर नहीं है? क्योंकि यहाँ पर तो ये इंटीजर्स नहीं है, 3/25 माइनस 4/25 इंटीजर्स नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इंटीजर होना चाहिए, यहाँ इंटीजर नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर है वो जेड आई का मेंबर है लेकिन इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो जेड आई का मेंबर नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा करते हैं हम लोग, बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस आई इंटू 4, 3 प्लस आई इंटू 4 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो इसका मेंबर नहीं आया, तो देयरफॉर जेड आई जो है इज नॉट ए फील्ड, एक फील्ड नहीं होगा। तो गॉसियन इंटीजर्स जो का जो सेट है वो एक रिंग होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है लेकिन फील्ड नहीं होता है, इसको हम लोग कहते हैं रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर, इट इज कॉल्ड रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। तो ये हो गया रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है रिंग का जो आगे भी यूज होता है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।